गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुपल माथुर। और आज है मेरा बर्थडे। सो आज मुझे गिफ्ट में मिला है ये मधुमनी आर्ट। सो आज मैं इसको, मैंने रैपर तो हटा दिया है क्योंकि इसमें नेम भी लिखा था ऑफ कोर्स। सो आज हम इसको बनाने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। नीचे आ जाइए, देख लीजिए। सो टन टन, तो सबसे पहले यहाँ पे हैं कुछ स्टिकर्स एंड पैम्पलेट्स। उसके बाद में वाटर कलर्स, ये देता है डेकोरेट करने के लिए। और फिर ये है सीमेंट या पीओपी कह सकते हैं, इसके अंदर आप कलर डाल के बना सकते हो। देन थ्रेड एंड डबल साइडेड टेप और मधुमनी आर्ट बनाने के लिए एक मोल्ड। सो एक ये फेस है, ये सूरज है और ये गणेश जी हैं। So, आज हम ये फेस बनाने वाले हैं क्योंकि मैं छोटे से स्टार्ट करना चाहती हूँ। सो सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगी और समझूंगी कि इसमें क्या करना है और देन मैं आपसे मिलूंगी। जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं तो आपको चाहिए ये वाला मोल्ड, इसमें पाउडर लगा हुआ है ऑलरेडी। ओके, आपको चाहिए एक बोल, वाटर एंड समथिंग टू स्टर। मैं स्पून यूज कर रही हूँ प्लास्टिक की। तो ये आपको प्लास्टर है, प्लास्टर ले लेना आपको अपना, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, ये हो गया है ओपन। मैं थोड़ा सा ही खोलना चाहती हूँ ताकि मैं इसको फिर से मतलब बंद करके अच्छे से रख पाऊँ, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा प्लास्टर डाल देना है। ओके, एंड इसके अंदर थ्री मोल्ड्स हैं, आप इसको थ्री टाइम्स यूज कर सकते हो। सो आई गेस इतना काफ़ी है क्योंकि मैं छोटा सा मोल्ड बना रही हूँ आज, बड़ा नहीं बना रही, पहले बार बना रही हूँ ना मैं। ओके, अब आपको लेना है वाटर एंड उस पर लिखा है कि आप सारा वाटर एक साथ मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी। सो हम स्पून बाय स्पून वाटर डालेंगे एंड थोड़ा थोड़ा करके मिक्स। सो मैंने इसके अंदर 2 स्पून ऑफ वाटर भी डाला है एंड लेट्स मिक्स। सो गाइस, आपको मिक्सचर को ज़्यादा थिक भी नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, नहीं तो आपका मोल्ड अच्छे से नहीं बनेगा। एंड इफ यू वांट आप इसके अंदर कलर भी डाल सकते हो। सो आई गेस ये लास्ट है मेरा एंड मैं एक कैप और वाटर डाल रही हूँ क्योंकि अब हो गया है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम है ना मोल्ड के लिए, हमें और लगेगा थोड़ा सा और क्योंकि थोड़ा सा रनी भी हो रहा है मेरे हिसाब से। ओके, सो मैं थोड़ा सा और डाल दूंगी इसमें, बहुत ही थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस। एंड मैं आपको मिलूंगी जब ये मिक्स हो जाएगा। सो गाइस, मेरा ये मिक्सचर बन चुका है एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके अंदर बिल्कुल भी कलर नहीं डालूंगी। जब ये ड्राई हो जाएगा तब भी आप इसके अंदर कलर डाल सकते हो। सो ये है सबसे छोटा वाला मोल्ड जिसको मैं बना रही हूँ। तो ये देखो, इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके इसको डाल देंगे, ठीक है। एंड ज़्यादा नहीं भरना उसको, और इसको डालने के बाद ना आप इसको टैप कर देना ताकि इसके अंदर थोड़े से भी एयर बबल्स ना रहे। तो मैं आपसे मिलती हूँ जब ये अंदर चला जाएगा। सो गाइस, इसको आपको ऐसे ऐसे 5 to 10 times टैप करना है एंड अब आपको इसको 8 hours के लिए सूखने देना है। और आप जिस बोल के अंदर मिक्स कर रहे थे ना, उस बोल को क्लीन कर लेना। और अगर आपको ये कहीं हैंग करना है तो इसके साथ में जो थ्रेड आया है आप उसको ऐसे इसके अंदर प्लेस कर देना ताकि आपका एक वॉल हैंगिंग बन जाए। सो मैं आपसे मिलूंगी जब ये सूख जाएगा। सो गाइस, ये बन चुका है एंड ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको निकालने के लिए। ये ऊपर से एकदम ठंडा है और सामने से ना एकदम ऐसा दिख रहा है कि बहुत डिटेल आई है। तो चलो इसको निकालते हैं, मैं डरी हुई हूँ कि ये टूट ना जाए। तो चलो, ये तो निकल गया। ओ वाओ गाइस, ये कितने डिटेलिंग के साथ आया, ये कितना स्मूथ है। यहाँ से पीछे से रफ है और सामने से स्मूथ है। ओ वाओ, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा निकल कर आया है गाइस। एंड अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हो कि वो पैम्पलेट्स किस लिए आए थे, तो मैंने आपको आई थिंक कहा था कि मैं इसके अंदर ना स्टिकर्स और पैम्पलेट इस पॉलिथिन के अंदर जो आए थे बट वो स्टिकर्स नहीं थे, ये सब पैम्पलेट्स ही हैं। ऐसे देखो, जैसे सबसे बड़ा वाला है, आप इसे कलर करके कहीं पर भी रख सकते हो,
ठीक है, ये वाला था मीडियम। तो इसको क्रिएटेड बाय जहाँ लिखा है ना, इसको ऐसे फोल्ड करना है ताकि क्रिएटेड बाय ऐसे आए, और पीछे देखो तो ये कलर कर दो। फिर ये छोटे छोटे चार स्क्वायर, तीन स्क्वायर के पैम्पलेट्स थे, इनके ऊपर आपको ऐसे सर्कल, इस पे तो नहीं है, इस पे है, हाँ ऐसे दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है, आई मीन हाँ ये कुछ ऐसे है डायमंड शेप में। तो ये दिया है ना यहाँ पे, यहाँ से दिखेगा, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, मैं दिखा रही हूँ ना। इसको निकाल के जो थ्रेड आया है ना, आप उसके साथ में लगा दो, उसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हो, ऐसा ही ये है, इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हो। देन ये छोटे छोटे भी सेम है, इस पे होल नहीं आया है, क्योंकि इसके लिए मैं बताती हूँ क्या, ये जो था ना ये वाला, आप इसको इस पे स्टिक कर सकते हो एंड कलर कर सकते हो, और इस पे जो सर्कल दिया है ना, आप इसे निकाल सकते हो और इसके अंदर थ्रेड डाल के इसको कहीं पे भी टांग सकते हो। सो इट्स सिंपली जस्ट कि आप अलग अलग लगाने की जगह एक साथ सबको लगा दो। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, सब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड डू नॉट फॉरगेट मी टू टेल कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी। बाय।